हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक छोटा सा प्रोग्राम है ये पाइथन का, इसका रिजल्ट क्या आ सकता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में वैसे बता सकते हैं। वैसे तो मैं बताऊंगा ही इसका आंसर। यहां पर देखिए, यहां पर मैं कमेंट में लिख भी देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, यहां पर 1 दिया गया है, ये देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा देखिए, यहां पर 1 और 4 दिया गया है, तो यहां पर क्या होगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन 4 तो नहीं आएगा क्योंकि रेंज लगा हुआ है, तो 4 तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, पहले 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, फिर 3 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 10 से लेस होना चाहिए, यही कह रहा है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों का और 10 से लेस रखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इसमें आंसर आएगा आपका, पहले तो आएगा 2, ठीक है, पहले तो आएगा 2, फिर आएगा कॉमा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर एक बार और 4 आएगा, ठीक है। अब ये क्यों आएगा, कैसे आएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वैसे मैं बताऊंगा ही आपको। यहां पे 8 आएगा और यहां पर क्या आएगा, 6 आएगा और फिर क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये चीजें यहां पर आएंगी, ठीक है। अब ये कैसे आएंगी, देखिए होगा क्या कि जब ये दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी, यहां पर ये कमेंट में देख सकते हैं, यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए x into y किया गया है, तो x में जो वैल्यू है और y में जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो देखिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 में 1 का, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 में 2 का होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 में 3 का होगा तो क्या होगा, 2 में 1 का होगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 का होगा तो 4 हो जाएगा, और फिर 2 में 3 का होगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 2 पहली बार में क्या होगा, यहां पर मैं फिर दिखाता हूं, 2 ये देखिए, ये आया 2, ठीक है, कॉमा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका 2 2 जा 4 और फिर क्या आएगा, 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया पहली बार में। फिर अब आते हैं 3 वाले पे, तो 3 1 जा 3 होगा तो यहां पे 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका 3 2 जा 6 आएगा, तो यहां पे 6 हो जाएगा, तो यहां कॉमा लगा के 6 कर देता हूं, ये हो गया 6, फिर कॉमा लगाएंगे तो फिर 3 3 जा क्या होगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 9 आ जाएगा। अब क्या होगा, फिर कॉमा लगाएंगे, अब देखिए क्या होगा, अब 4 की बात करते हैं, तो 4 1 जा 4 होगा, देख सकते हैं ये 4, ये जो 4 लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे ना, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर यहां पर लगाएंगे कॉमा, यहां पर नीचे ये देखिए, यहां पर ये प्रिंट करवा रहा हूं मैं, यहां पर कॉमा लगा दिया, अब क्या होगा, अब होगा 4 2 जा 8, ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू प्रिंट होगी। अब जरा मिलाइए, मैच करिए, यहां पर इसे मैं नीचे लेके आता हूं, जरा मैच कीजिए कि यही सेम रिजल्ट मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। 2 के बाद 4 है, अब यहां पे ये इधर-उधर हो सकता है सीक्वेंस, तो यहां देखिए 2 है 4 है, तो 2 यहां पे दिया गया है, फिर 4 यहां पे दिया गया है, और फिर यहां पे क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, तो 6 भी है, ठीक है, और फिर 6 के बाद यहां पे 3 है, 6 दो बार आया हुआ है, तो क्या यहां पे दो बार 6 है, तो देखिए दो बार 6 है, और 4 भी दो बार आया हुआ है, तो 4 भी दो बार है, और 8 जो है 8 एक ही बार आया हुआ है, तो यहां पे देखिए 8 एक ही बार है, और 9 एक बार आया हुआ है, तो 9 एक बार है, तो कुछ इस तरीके से आप रिजल्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऐसे अनुमान लगाना है आपको कि कैसे आंसर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 5 करिए, इसे सेव करिए, और यहां पर किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हैं, .py लगा करके और एंटर करेंगे, और इस तरीके से ये हो जाएगा। और यहां पर ये देख सकते हैं, ये एक एरर यहां पे जनरेट हो रहा है, ये प्रिंट जो है यहां पर आएगा, और इसे अब यहां से चलाएंगे, इसमें हम इसे ब्रेक देना हूं, ये ब्रेक लगा दिया है, एंटर करेंगे और इसको चलाएंगे, तो देखिए सेम रिजल्ट वही प्रिंट हो रहा है जो मैंने आपको बताया था, देख सकते हैं यहां पे, मैच कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पे देखिए 2 1 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है, ठीक है, फिर 4 4 दो बार आया है, फिर 6 8 आया है, तो 6 8 आया है कि नहीं आया है, फिर 6 9 आया है, तो यहां पर सेम वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख सकते हैं,